तो कैसे हो मजा माँ? स्वागत है टॉप 5 मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन की एक नई एपिसोड में। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 मूवीज के बारे में ब्रेक डाउन करूँगा जो शायद आपने कभी देखे होंगे। अगर आपने देखा है तो ये बात प्रूफ होता है कि आप एक सॉलिड मूवी फैन है। तो चले बिना किसी बकवास की शुरू करते हैं। I am not like the rest of my family. There's something that makes me different. Great great grandfather, I want to be a musician just like Number 5, Valerian. Agar kya hoga ki aap aise jagah phans jaye jahan koi nahi hota ho, to yahi same situation movie ke andar dekhne ko milta hai. Tom aur Gemma aise hi ek colony mein phans jata hai जहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं होता है, सिवाय घर के अलावा। काफ़ी अजीब ही कॉलोनी है और यही चीज़ मूवी को खास बनाते हैं। और यही कहानी है कि तुम और जेमा किस तरह से उस कॉलोनी से बाहर निकलेगा। मूवी काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है, इसलिए आपको मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नेक्स्ट। तो ये कहानी है एक मामूली इंसान क्रिस जॉनसन की। क्रिस जॉनसन लास वेगास में एक म्यूजिशियन होता है और उसे खास बनाती है उसकी 2 मिनट की पावर, यानी कि वो 2 मिनट तक भविष्य देख सकता है, बदल भी सकता है। और एक टाइम उससे पता चल जाता है कि FBI उसके पीछे पड़ा हुआ है। यही चीज़ मूवी में ट्विस्ट लाती है। और FBI उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये जानने के लिए मूवी देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर काफ़ी एपिक एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा जो काफ़ी कमाल है। अगर आप निकोलस केज की फैन है तो ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का खासियत है द मूवी हैज़ नो एंड। नंबर 3, हैप्पी डेथ डे। तो ये कहानी है एक लड़की की, ट्री गेल्टमैन। तो ट्री गेल्टमैन एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। सुबह वो उठती है, शाम को उसे एक सीरियल किलर मार देता है और यही चीज़ बार बार रिपीट होते रहता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, यकीन मानो तो ये मूवी काफ़ी कमाल है। 1 मिनट भी बोर नहीं करता है। और इस मूवी का सीक्वल भी है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का सीक्वल में ही सारे माजरा जो समझ में आता है। सो तो कैरी ऑन। Whoever's killing you knows it's your birthday. Pretty much the entire school. Number 2, Sleepy Hollow. तो मूवी के अंदर स्लीपी हॉलो नाम का एक विलेज को दिखाता है जहाँ बिना सर वाला हॉर्समैन 3 लोगों का हत्या कर देता है। और यही चीज़ उस गांव में काफ़ी हॉरर बनाने का काम करता है। और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने आता है एल चबोफ क्रेन। और मूवी का यही कहानी है कि एल चबोफ क्रेन इस मिस्ट्रियस केस को सुलझ पाएगा। और अगर आप जूनी डेप का फैन है तो ये मूवी आपके लिए ही है। और इस मूवी को खास बनाती है ये मूवी एक आर रेटेड है। नंबर 1, डार्क सिटी। तो ये मूवी बेस है जॉन मॉर्डोक के कैरेक्टर पर। जॉन मॉर्डोक जब वो अपने होटल पे जागता है तो उसका पास कोई याददाश्त नहीं होता है और उसे पता लगता है कि कुछ एलियन ग्रुप जो खुद को कहते हैं स्ट्रेंजर्स, वो उन्हें मारना चाहता है। तो मैं इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉयलर्स होने का काफ़ी ख़तरा है, तो मैं स्पॉयलर्स नहीं करना चाहूँगा। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट पर अपनी सोच बताइए, हमें शेयर कीजिए। तो स्पॉयलर्स की ध्यान रखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कहना खामोशी तो पापू।